खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में कलियुगी बेटे ने अपने 60 वर्षीय मां के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के चंदन नगर एफ सेक्टर में रहने वाले प्रीतिपाल सिंह और उसकी पत्नी रीना सिसोदिया ने मकान बेचने को लेकर मां पर प्राणघात हमला कर दिया। पीड़ित सीनियर सिटीजन ने बताया कि 3 माह पूर्व उनके पति की मृत्यु के बाद से ही दोनों पति पत्नी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन डकारने के साथ अब दोनों पति पत्नी घर बेचने पर उतारू हैं। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी ने पहले चप्पल और जूते से पिटाई की। इतने में भी बेटे प्रतिपाल सिंह उर्फ पिंटू ने शराब के नशे में अपनी बुजुर्ग माँ पर तलवार से हमला कर दिया। जैसे तैसे जान बचाकर बुजुर्ग महिला अपनी बहन के यहाँ पहुँची, जिसके बाद MY में इलाज के बाद रिपोर्ट लिखाने थाने पहुँचे, जहाँ घंटों बैठने के बाद पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। किसने मारा था? कौन है वो? कहीं से मारा आपको? कब से मारपीट कर रहा है? काई के लिए मारा था आपको? इंदौर से यशवंत पंवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।